नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। जैसे कि पिछले क्लास जो हम लाए थे इंडियन पॉलिटी की, उसके अंतर्गत मैंने डिस्कस किया था कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो सिलेबस एमपीपीएससी के आयोग ने डिसाइड किया है, उसको एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम से स्टार्ट किया है। पहले संविधान निर्माण को पूरा स्टार्ट कर देते थे, इस बार उन्होंने जो है इस तरीके से उसको डिजाइन किया है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देख लिया, वो डिस्क्रिप्शन में जाके इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि इस बार सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो हमको 1919 के एक्ट से ही क्यों पढ़ना है, उसके पीछे का पूरा मैंने जो है पहली क्लास में उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या उद्देश्य आयोग का था कि उन्होंने सिलेबस को इस हिसाब से डिजाइन किया है। अभी तक जो हम संविधान का निर्माण पढ़ते थे, उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पढ़ते थे। एक चीज और बच्चों में कहना चाहता हूँ, जो इससे पहले का वीडियो था उसमें मैंने 1773 बोला, लेकिन मैंने बोर्ड को उसको 1793 लिख दिया था, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। जो रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान के निर्माण को हम पढ़ते थे और जाके भारत शासन अधिनियम 1919, 35 और 1947 तक जाकर पढ़ते थे, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने 1919 और 1935 के अधिनियम से स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है संविधान सभा पर पहुंचे हैं। पहले वाली वीडियो में आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, उसकी पूरी आपको हमने कंसेप्ट बताया है कि क्यों 1919 के अधिनियम से इस बार उन्होंने संविधान को फ्रेम किया है। उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने ही संविधान सभा वर्ड को एम्फेसाइज किया था और इसीलिए जो है उन्होंने इस तरीके से फ्रेमिंग की। अब 1919 अधिनियम के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद उस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए हैं उसको भी हम स्लाइड के फॉर्म में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हम ये जो वीडियो लाए हैं, अधिनियम की कुछ बातें, कुछ विशेषताएं, कुछ पॉइंट लाए हैं आपके सामने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए उनको जो है हम स्लाइड के फॉर्म में जानेंगे और कुछ कमियां भी जो है हम भारत शासन अधिनियम 1919 की भी जानेंगे, जिसका विरोध हुआ था और उसी विरोध के फलस्वरूप निकलकर ये गांधी जी ने 1922 में कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो, भारत का संविधान। आप लोग उसको फर्स्ट वीडियो में इंडियन पॉलिटी के देख सकते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 हेडिंग डली हुई है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, उसकी कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, बच्चे उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते, वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जैसे ये पारित कब हुआ, स्वाभाविक सी बात है कि पारित तो 1919 में ही हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, लागू 1921 में हुआ। तो यही आंसर में फर्क आ जाता है जब ऑब्जेक्टिव वे में आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि पारित कब हुआ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज पास्ड इन 1990, ठीक है, और एक्टेड इन 1921, लागू आपका 1921 में होता है। किसके द्वारा किया गया लागू, महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट, महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसको जो है लागू किया गया। ये एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता था जो मैंने आपके सामने रखा है। दूसरा, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी नाम से जाना जाता है। इसको ये कहा जाता है कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, हमेशा आप देखेंगे कि मॉन्टेग्यू नाम पहले है, चेम्सफोर्ड पीछे है। मैंने इसलिए उसको आपको डिटेल में बताया, आप उसको यहां देख सकते हैं कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है। भारत सचिव और वायसराय, वायसराय छोटी थे तो इसलिए उनका नाम बाद में आया, और भारत सचिव सबसे बड़ा पद था तो उसको सबसे पहले आपके जो है रखा गया, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार भी इसको बोला जाता है, ठीक है। भारत सचिव, ठीक है, और इनको चेम्सफोर्ड को, ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, यहां से दो निकल के वहां बात आती है। तीसरा पॉइंट जो मैंने इसमें दिया वो आपके सामने ये रखा है कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी, आप समझ सकते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की स्थापना करना था। यह 1919 के अधिनियम में बात थी जो 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह अनाउंस्ड किया कि एक हमको अकाउंटेबल गवर्नमेंट इंडिया को देना है। ठीक है, क्योंकि लगातार भारत शासन अधिनियम, आप जानते हैं कि 1857 रिवॉल्ट होता है, उसके बाद 1858 में रानी की घोषणा में ताज के शासन के अधिनियम से, मतलब क्राउन के अंतर्गत जो भारत शासन अधिनियम है, तो उसमें 1919 में एक उत्तरदायी सरकार देने की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट 1917 में करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1919 में अधिनियम पारित होता है, 1921 में लागू करता है और इसको मॉन्टेग्यू चेंजफोर्ड सुधार से भी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे, वो मैं आपको अगली क्लास में स्लाइड के फॉर्म में दे दूंगा या यहीं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जैसा भी आप लोग कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो मुख्य मुख्य प्रावधान थे उसको थोड़ा सा मैं आपको इलाबरेट कर देता हूं कि क्यों 1919 का अधिनियम इंपॉर्टेंट था। पहला तो ये कि इसके विरोध के स्वरूप ही सबसे पहले संविधान सभा वर्ड को गांधी जी ने 22 में एम्फसाइज कर दिया था। क्या इसके अंतर्गत प्रावधान थे, इसके अंदर देखिए जो कुछ अच्छी बातें भी थी वो ये थी कि महिलाओं को वोटिंग राइट की भी बात इसके अंतर्गत की गई। सबसे पहले जो है महिलाओं को ब्रिटिश जो हमारे पर शासन कर रहे थे उनसे पहले भारतीय महिलाओं को जो है आप देख लीजिए मताधिकार प्राप्त किया गया। ठीक है, मतदान अधिकार का प्राप्त हुआ और जाके उसको चुनाव में इन लोगों को मिलता भी है। तीसरी चीज आप देखें इसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट रही वो ये रही इसमें कि द्विसदनात्मक व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी जो है इसके अंतर्गत आपके सामने इसमें की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसे, जैसे आज आपके केंद्र में है, आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, कई राज्यों में भी है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी आप देखते हैं कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, बिहार में भी है इस तरह की व्यवस्था, हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न प्रांत लेवल पर लाए थे, मतलब स्टेट लेवल पर उन्होंने दो सदनात्मक व्यवस्था को किया था, एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरा इन्होंने इसमें ये किया था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी जो 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को दिया था उसको इसमें इन्होंने विस्तार दिया, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और लोगों के लिए भी इसमें दिया। जो वोटिंग राइट था वो हर किसी को नहीं था, कुछ शिक्षित वर्गों को था, कुछ टैक्स वाले देने वालों को था, कुछ जमींदार वर्ग को भी था और साथ में महिलाओं को भी जो है वोटिंग राइट इस अधिनियम के अंतर्गत मिलता है। जो आने वाले चुनाव में जो उसके बाद चुनाव होते 1919 के बाद उसमें महिलाएं वोट डालती हैं, सबसे पहले मद्रास के चुनाव होते हैं वहां डालती है, फिर उसके बाद त्रावणकोर में डालती है। इस तरीके से ये इसके अंतर्गत प्रावधान किए जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टी का सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं द्विसदनात्मक। ठीक है, दो तीन चीजें इसमें और ये हुई कि इसमें डिसेंट्रलाइज किया गया, व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया कि हर चीज केंद्र नहीं करे, कुछ चीज प्रांत भी करे, तो सत्ता का कुछ ना कुछ हस्तांतरण केंद्र तक, केंद्र से राज्यों तक भी किया गया कुछ चीजों का। जैसे आज आप वर्तमान में देखेंगे शेड्यूल 7 में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची है कि संघ सूची में केंद्र बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकारें कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों बनाती है। ठीक है, मतलब आपकी संघ सूची यूनियन की आपकी लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट, तो इसी तरीके से वो फॉर्म भी बुलाए थे कि राज्य सूची की विषय बना दो, केंद्र सूची की विषय बना दो, तो ये भी एक पैटर्न लाए। दूसरा दो तीन चीजें इसमें, एक ये की इंपॉर्टेंट इसमें जो महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि एक हस्तांतरित लाए और एक वो आपके आरक्षित लाए, कुछ ऐसे विषय थे जो उन्होंने विधान परिषद को दे दिए। किसको दे दिए, विधान परिषद को दे दिए कि इन पर विधान परिषद जो है कानून बना सकती है, उनको ट्रांसफर्ड कहते हैं, ट्रांसफरेबल कर दिया हमने उनको, ट्रांसफर्ड कर दिया, जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था भी हो, और कुछ चीजें रिजर्व थी, रिजर्व चीजें में जैसे आपका रक्षा की चीजें थी, आपके और भी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी उनको मैं अगली क्लास में डिटेल में बता दूंगा, रक्षा की थी, वैदिक सिख मामले थे, कमांडर इन चीफ थे, उन सबों पर उन्हीं का जो है कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, गवर्नर और कमांडर इन चीफ, तो 6 सदस्य थे जिसमें से 3 भारतीयों का होना कंपलसरी था,
जिसमें कमांडर है चीफ को छोड़कर। तो इस तरीके से कुछ प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किए गए हैं जिनको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या इनका एक महत्वपूर्ण रोल था। अभी जो है हम आपके सामने ये लाए थे कि इसके अंतर्गत क्या बेसिक क्वेश्चन बनते थे, क्या इसके पीछे लाने का प्रावधान था। सबसे पहले इसमें हमने जाना कि 1919 में पारित हुआ, लागू 1921 में होता है आपके जो ड्यूक ऑफ कनॉट करते हैं, है ना, महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने एक उत्तरदायी सरकार देने के लिए इसमें बात आपके सामने रखी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी जाना जाता है, जिसे मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे और आपके चेम्सफोर्ड थे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है एक उच्चायुक्त भी स्टेब्लिश किया गया और कुछ कार्य भी उच्चायुक्त को दिए गए। तो आज भी आप देखेंगे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं तो उनमें जो आपके भारतीय दूतावास होते हैं उनको हाई कमीशन बोला जाता है, उच्चायुक्त तो बोला जाता है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है उसको एम्बेसी बोला जाता है, ठीक है, तो उसको राजदूत कार्यालय आपका जो है बोला जाता है। तो इस तरीके से उसी टाइम से चला आ रहा है उच्चायुक्त वर्ड जो है 1919 अधिनियम के अंतर्गत जो आया था। तो इसके अंतर्गत जो है जो प्रावधान किए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनकी खामियां भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ ये हमने इतना ही रखा था ताकि इस अधिनियम के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान जाए। अगली क्लास में हम स्लाइड के फॉर्म में आपको सामने पूरे अधिनियम की विशेषताएं रखेंगे। धन्यवाद।